हेलो दोस्त। 2 डिग्री एक साथ रेलवे में, खास करके देखिए, कई बार बेनिफिट भी हो जाता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। कई के साथ ऐसा हो जाता है कि कोर्ट केस ही लड़ते रह जाते हैं और बहुत टाइम लॉस हो जाता है। वैसे ही एक कुछ केस आया है एलपी का, 14 वर्ष नौकरी के लिए, 14 वर्ष बाद मिला। कैंडिडेट ने शेयर किए हैं वेबसाइट पे, डिटेल पहले आई थी अभी नहीं है, जिसमें 2011 की नोटिफिकेशन का जॉब कोर्ट केस के बाद एक ऐसी कैंडिडेट को मिला है। कई बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के चक्कर में होता है, कई बार आपका कुछ आपकी बायोमेट्रिक का इशू होता है, कई बार और बहुत सारे इशू होते हैं, जैसे आपकी जो नॉर्मल सर्टिफिकेट है उसमें कुछ इशू है, या कुछ कास्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ चेंज हो गया, उसके कारण होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो केस होता है ना, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर ऐसा नहीं होता तो एक कैंडिडेट का लॉस हो जाता है। लेकिन हालांकि देखिए, ड्यूअल कोर्स के लिए अब UGC का गाइडलाइंस 2022 में साफ साफ आ गया है कि एक साथ एक रेगुलर एक पार्ट टाइम अलाउ है कोर्सेज, बशर्ते एक इशू है कि लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। पता चला 10वीं 12वीं एक साथ कोई कर लिया तो ये वैलिड नहीं है, 10वीं के पास 12वीं डिप्लोमा एक साथ कर लिया ये भी वैलिड नहीं है। कई सारे PhD भी कर रहे हैं और फिर ITI भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ कोर्सों पे सस्पेंस है लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है। कल से यही चल रहा है मामला सब लोगों का। पहले एक बार आपको दिखा दूँ कि ये जॉब वाला कैसे मिला, फिर हम ड्यूअल डिग्री की बात करेंगे। तो जॉब वाला में आप देखेंगे ना, तो सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को पैनल में शामिल कर लिया जाता है। 12/4/2024 का नोटिस है, 1/1/2011 का नोटिफिकेशन है, असिस्टेंट लोको पायलट का ही है, पहले ग्रेड पे जो रहता था वही है, और साथ में आपका लिखित परीक्षा के डेट 15/7/12 हुआ था। इनकी अभिरुचि परीक्षा 2012 में हो गई थी और 10 DB इन्होंने 2013 में करा लिए होंगे। अब सारा कहानी यही होती है ना DB में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी ऑब्जर्वेशन आ जाता है तो कैंडिडेट के ही झेलना पड़ता है। रेलवे में राम नौकरी नहीं करेगा, उसके जगह पे मोहन करेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता रेलवे को, क्योंकि वो अपनी प्रोसेस दिखाएंगे, नियम दिखाएंगे। लेकिन राम को बहुत अंतर पड़ता है कि 14 साल तक नौकरी ही नहीं मिला, क्योंकि उसकी आधी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई बिना नौकरी में, और इसके बदले तो कोई सैलरी नहीं देगा। लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट मेहनती होते हैं, लड़ते हैं, 14 साल बाद भी अपने पैनल में जिस शामिल करा लेते हैं, और शामिल कराने के बाद कैंडिडेट को अगर देखेंगे तो खुशी तो होगी, लेकिन जो टाइम गुजर गया उसका तो कोई देता ही नहीं है। कहता है कि सावधानीपूर्वक आप रिजल्ट देखिए, अनजानी में भूल चूक माफ़ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये में थोड़ा सा इतना पेचीदा रूल है। अब ये दूसरा LP के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके पास रेगुलर 2 डिग्री था, इन्होंने कोर्ट से लड़के ले लिया कि मुझे जॉब चाहिए, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप चेक करते या जो भी है वहाँ उठे गए। तो ये LP के कैंडिडेट थे, इलाहाबाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट इलाहाबाद बेंच ने इनका डिसीजन दे दिया है। 4/2021 का केस था इनका, 19 जनवरी 2023 में, यानी करीब करीब कहें तो आपका काफ़ी दिन के बाद, यानी देख सकते हैं बहुत सारा डेट ख़त्म होने के बाद इनको 21 से 23 में, यानी करीब करीब कह सकते हैं कि 1.5 से 2 साल बाद इनको जॉब मिली, जबकि ये ऑलरेडी जॉब में ज्वाइन कर चुके थे। और ज्वाइन करने के बाद इनके पता चला कि पहले तो LP पे फॉर्म भर दिया, फिर BA पे फॉर्म भर दिया दूसरे नोटिफिकेशन में, तो इनको शो आउट नोटिस देके जॉब से रिमूवल कर दिया गया था, जॉब से निकाल दिया गया था और कैंसिल कर दी गई थी, इनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई थी। कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस होने के बाद इसमें सारा चीज़ जांच किया गया, 2 डिग्री भी माना गया कि एक ही सेशन में है, और एक ही सेशन में होने के बाद इनकी आगे की कढ़ाई के लिए UGC वगैरह का रेफरेंस भी दिया गया जिसमें अलाउ नहीं था उस समय। फिर भी बोला गया कि जब इनकी कहा गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें लक्ष्मी शंकर यादव प्लस UP बोर्ड, आपका बेसिक एजुकेशन बोर्ड UP के अगेंस्ट में जो केस है उसको हम चेंज नहीं कर सकते सिंगल जज के रूप में, और सिंगल देखिएगा 4A रीजन 4A वर्ब,
वी नॉट गुड ग्राउंड फॉर इंटरफेस विद द इम्पल्स जजमेंट ऑफ द ऑर्डर एंड सिंगल जज द अपील इज डिसमिस कर दिया उसके आधार पे, और बाद में उनको कैंडिडेट को जॉब दे दिया गया, जो आपको पैरा 9 और 10 में लिखा हुआ मिल जाएगा साफ साफ कैंडिडेट को कि पेंसिल इन ग्राउंड विद नॉट है, और फाइनली जो कैंडिडेट है उनको ज्वाइन करने का ऑप्शन दे दिया जाए इसी के आधार पे, नीचे वाला लाइन में लिखा होगा। और इनकी ज्वाइनिंग डेट ये होगी जब 2/3/2021 से नहीं, जब केस हुआ था उस डेट से नहीं, इनकी ज्वाइनिंग का पेमेंट जो मिलेगा वो मिलेगा 19/1/2023 के बाद। तो देखिए करीब करीब 2 साल लॉस यहाँ भी कैंडिडेट का हो गया, 2 साल लॉस में कितने लोगों ने बोला होगा, क्या होगा, किस स्थिति में कैंडिडेट होगा, जॉब तो करना नहीं है, केस ही लड़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा चीज़ है ना, तो मेरा एक सिंपल सा सजेशन रहता है कैंडिडेट का, आपके पास ऑप्शन है। देखिए हर आदमी को लगता है कि मेरे पास सारा क्वालिफिकेशन हो, ITI भी हो, डिप्लोमा भी हो, डिप्लोमा भी हो तो इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल भी हो जाए, वर्ष भी हो जाए, सब हो जाए, जो जो आएगा भर देंगे, लेकिन मेहनत तो एक ही दो में कर पाएंगे आप, सारा में तो कर नहीं पाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि कभी भी आप ट्राई करें ना, तो जिसमें आपकी पकड़ ज़्यादा है, अच्छा है, उसको तो पकड़ के रखिए, उस पर मेहनत कीजिए, सफलता मिलती है। सफलता मिलती है तो लगता है कि आपको 1-2 साल नहीं मिला, लेकिन ऐसे 14 साल बर्बाद हो गए, तो जॉब लेने का भी मतलब कह दे कि 5 डिग्री रख के मैंने 14 साल कोर्ट केस लगा, 2 साल केस लड़ा, 3 साल लड़ा, 4 साल रेलवे के साथ लड़ा, कई बार सफलता मिल भीती है, कई बार नहीं भी मिलती है। तो ये सारा मैटर को हम आने से अच्छा है कि हम कुछ महीने साल अपनी पकड़ पे मजबूत करें, अपनी कंसेप्ट जिस पे हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो अच्छा लगे उसी को पकड़ के रखें और उस पे मेहनत करें, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो मेरा तो सजेशन यही रहता है कि सबसे अच्छा वही है रेलवे में कि जिनकी सबसे मतलब 100% जो डॉक्यूमेंट सही है उस पे जाइए, अगर इससे नहीं होता है तो 90% पे जाइए, 90-80% वाला वो है जो आपके पास डिप्लोमा डिग्री क्रॉस्पोंडेंस से रिलेटेड है, और उससे भी अगर रिक्स आपको लेना ही है तब 50% वाले में 50-50 वाले केस में जाइए जो आपका रेगुलर डिग्री है। कई लोग कहते हैं कि आपने कंफ्यूज कर दिया, तो मैंने ज़िंदगी में कभी कंफ्यूज करने की बात नहीं किया है, लेकिन इशू क्या होता है, कैंडिडेट मन बना लेता है कि मैं तो भरूंगा, या मुझे कोई ये कहे तुम्हारा दोनों रेगुलर या ITI डिग्री या क्या सही है। तो देखिए वो सही कहना एक चापलूसी जैसा है, जो हकीकत है और जिसके साथ गुजरता है उसे ही पता होता है कि क्या मुश्किल पड़ती है जब सिलेक्शन के बाद ऐसा प्रॉब्लम आता है। सिलेक्शन से पहले सब कुछ अच्छा लगता है, मैं तो भर भी दूंगा, मैं तो GM कहेंगे GM का पोस्ट निकले जनरल मैनेजर का भर दूंगा, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा और GM की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं होगी ना, तो फिर ये 2-3 साल का मेहनत बहुत बेकार खट्टा लगता है। थैंक यू।